हॉट न्यूज में आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा शिंदे के बारे में, जिन्हें आप सब ने हाल ही में डांसिंग रियलिटी शो में देखा है। शिल्पा शिंदे कुछ हफ्ते झलक दिखला जा का हिस्सा रही और उसके बाद वो आउट हो गई। अब इधर शिल्पा शिंदे आउट हुई तो उधर देखिए उनका वीडियो भी बन गया, जिस वीडियो में शिल्पा शिंदे ने झलक दिखला जा के जजेस करण जौहर, माधुरी दीक्षित और नौरा फतेही को निशाना साधा है। अब इसे निशाना साधा तो नहीं कह सकते हैं, जो शिल्पा ने महसूस किया है वही सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिखा है। इस बार जो हुआ परफॉर्मेंस के बाद जो कमेंट्स किए गए, मुझे पूछना है कि करण सर क्या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म देने वाले हैं, या 3 मिनट के एक्ट में आपको डांस नहीं दिखा आप कहते हो, आपको अलग चीज भी चाहिए, एंटरटेनमेंट का शो है, आप सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स लेते हो, आपको क्या चाहिए, आप ऑस्कर अवार्ड देने वाले हो, आप नेशनल अवार्ड देने वाले हो, बताइए। मतलब उस 3 मिनट के एक्ट के लिए एक आर्टिस्ट क्या कर रहा है आपको पता भी है, कंपटीशन नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी कंपटीशन है। आप रुबीना का वीडियो निकाल के देखिए, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था, उसका कोई भी नतीजा हो सकता था, इसके बाद क्या इसके जिम्मेदार जजेस है। अब इस डांस शो में इस सेलिब्रिटी परफॉर्म करते हैं न कि डांसर, तो शिल्पा का कहना है कि उन्हें उसी तरीके से देखना चाहिए। जजेस कमेंट तो कर देते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उन कमेंट्स का पार्टिसिपेंट्स पर क्या असर पड़ता है। पार्टिसिपेंट दिन रात मेहनत करते हैं एक परफॉर्मेंस के लिए, उन्हें 3 दिन का भी वक्त नहीं मिलता है, फिर ऐसे में जजेस भला उनसे नंबर 1 परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे कर लेते हैं। शिल्पा शिंदे के इस बयान पर उन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है। मेरी ये जजेस के लिए वही कहा वीडियो है कि करण सर को डांस बिल्कुल भी नहीं आता, तो करण सर को टिप्पणी करनी है तो अपनी चीज़ों पे करे, उसका कॉस्ट्यूम देखे, डांस के हिसाब से कॉस्ट्यूम नहीं है तो उसके ऊपर रिएक्ट करे, आप उसका मेकअप देखो, कॉस्ट्यूम देखो, सेटअप देखो, इतनी सब कुछ चीज़ें थी। आप करण सर आप डांस के ऊपर कैसे बोल सकते हो, माधुरी जी को पूरा हक है डांस के ऊपर बोलने का, लेकिन जहाँ आप इमोशनल हो जाती है निया वहाँ आप थोड़ा गड़बड़ कर देती है। आप एक आर्टिस्ट हो, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकती, और आप हिंदी चैनल के पैनल पे बैठे हो नौरा, थोड़ा आप भी हिंदी सीख के आओ तो अच्छा होगा। तो सिर्फ डांस डांस नहीं होता, इट्स अ सेलिब्रिटी यू नो कंटेस्टेंट, आर्टिस्ट है हम, आर्टिस्ट में बहुत आर्ट, डांस एक आर्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। पूरे 3 दिन भी कभी कभी मिलते नहीं है इस एक्ट के लिए, और कंपटीशन में अच्छे अच्छे डांसर्स भी है, अच्छा है, हम लोग भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आप हमको उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप जिनको डांस नहीं आता उनको अप्रिशिएट करो, जबकि आप इस तरह के कमेंट्स करके, वही कहा कि बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग यहाँ से कोई कोरियोग्राफर बन के नहीं निकलने वाले या डांसर का किताब नहीं मिलने वाला है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।